हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो तो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। वो तो आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन पोर्ट्स के बारे में। ओपन पोर्ट्स की प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इस प्रॉब्लम से लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही परेशान हैं। दोस्तों, जिन लोगों के फेस पे ओपन पोर्ट्स हो जाते हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और अपने ओपन पोर्ट्स को ठीक करने के लिए मार्केट्स के काफी महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स का भी सहारा लेते हैं, तब भी उन्हें बेस्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाते हैं। आपकी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे आप मात्र इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने ओपन पोर्ट्स की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ओपन पोर्ट्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, हमारे फेस पे कुछ छोटे छोटे से रोम छिद्र होते हैं जिससे जो हमारा फेस है वो एयर लेता है, सांस लेता है। लेकिन जब वो छोटे छोटे से जो छेद होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो ओपन पोर्ट्स का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण जो हमारा फेस है वो बहुत ज्यादा बेकार लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, ओपन पोर्ट्स होने के काफी कारण होते हैं। जैसे पहला तो है जेनेटिक, मतलब अगर आपके बड़ों को ये प्रॉब्लम है तो आपको भी ओपन पोर्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, जिसके कारण भी आपको ओपन पोर्ट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, अगर आप बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक का यूज करते हैं, मेकअप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको ओपन पोर्ट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं, अगर आप अपनी स्किन की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं तब भी आपको ओपन पोर्ट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। रीजन कोई भी हो, आपको मैं एक ऐसी होम रेमेडी बता रही हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप अपने ओपन पोर्ट्स की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रेमेडी को कैसे बनाना है चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आपका लाइक करना फ्री है, लेकिन आपकी लाइक करने से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा अच्छा काम करने का। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी खाली कटोरी ले लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले ली है। और इसमें आपको ऐड करना है एक चम्मच बेसन, मतलब ग्राम फ्लोर। दोस्तों, बेसन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं ये हमारी आपकी स्किन पे जो भी डैमेज होता है इसको रिमूव करती है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी करती है, आपके रोम छिद्र को भी ओपन करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक चम्मच बेसन ले लिया है और इसके बाद में जो हमें दूसरी चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो है एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ये आपके ओपन पोर्स को रिड्यूस करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आपको इसमें एक चम्मच करीब एलोवेरा डाल देना है और इसके बाद में जो आपको तीसरी चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो है हल्दी। तो दोस्तों, आपको इसमें सिर्फ एक पिंच हल्दी डालनी है, आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है, बस इतनी सी आपको हल्दी इसमें ऐड कर देनी है। और इसके बाद जो हमें चौथी चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो है लेमन। दोस्तों, नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आपको इस तरीके से इसमें आधा चम्मच करीब नींबू का रस ऐड कर लेना है, बीज को हम निकाल देंगे। और इसके बाद में आपको जो ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। दोस्तों, ग्लिसरीन आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करेगी, उसके अलावा आपकी जो स्किन है इसे मॉइस्चर करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो आपको इसमें आधा चम्मच करीब ग्लिसरीन ऐड कर देनी है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आपको लेना है रोज वाटर। रोज वाटर की हेल्प से आपको इसको मिक्स करके एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। मैं कर लेती हूँ यहाँ। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करके आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम तो दूर होगी, आपका जो स्किन है वो फेयर, स्किन का कलर है वो भी काफी रफ फेयर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके का एक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक पेस्ट बना लिया है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको ये रेमेडी तो इस्तेमाल करनी ही है, आपको अपने फेस पे दिन में 2 से 3 बार एलोवेरा लेना है हल्का सा, और एलोवेरा से आपको अपने फेस की मसाज करनी है।
विश्वास मानिए आप इन दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो आपकी जो 7 दिन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे इस होम रेमेडी के इस्तेमाल से और इस एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके जो ओपन पोर्स हैं वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों आपको इस रेमेडी को अपने ओपन पोर्स पे कुछ इस तरीके से लगानी है। आप इसे पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, मैं आपको सिर्फ गाल पे लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो इन्हीं जगह पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको इस तरीके से इनको लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी थिक लेजर लगानी है इस तरीके से लगाना है और लगाकर आपको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और 15 से 20 मिनट बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। दोस्तों विश्वास मानिए अगर आप इस रेमेडी को लगातार 7 दिन इस्तेमाल करते हैं और मैंने आपको जो एलोवेरा बताया है उसकी मसाज करते हैं तो आपकी जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। आप दूरते फिरेंगे कहाँ गए मेरे ओपन पोर्स, वो दूरने से भी नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस रेमेडी को और उस ट्रिक को जरूर इस्तेमाल करें और इसका जो फीडबैक है उसे कॉमेंट्स के द्वारा हमेशा जरूर शेयर करें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।